हेलो हेलो डिवाइन सोल्स, तो प्लेथोरा मिरेकल्स पर आपका मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए तीन पाइल्स रखे हैं टैरो को शफल करके। देखते हैं गार्डियन एंजल्स, आपके टैरो गाइड्स आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है, या आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। इस पर आप लोग पाइल नंबर वन जो चूज़ कर रहे हैं कमेंट में वन लिख दीजिए, पाइल नंबर टू जो कनेक्ट कर रहे हैं टू लिख दीजिए, और पाइल नंबर थ्री से आप लोग एक कार्ड मैं आपके लिए सिलेक्ट करूंगी। मैं साइकिक हूं इसलिए साइकिक एबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और साथ में रेमेडीज भी दूंगी आपको मनी फ्लो के लिए इस आने वाले हफ्ते के लिए। और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए एज अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड, ताकि आपको और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और रेमेडीज आपको कोई नहीं देता है, मैं आपको रेमेडीज ज़रूर शेयर करूंगी, क्रिस्टल्स के बारे में भी आपको नॉलेज देती रहूंगी। तो चलिए डिवाइन क्या कहते हैं, यूनिवर्स कैसे आप सबसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये देखते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर वन कमेंट में किया है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, आप इसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। आप जब जिस दिन इसको देखोगे उस दिन से आने वाले आप हफ्ते का एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप इसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, आप अगर दुर्गा माता के भक्त हैं तो दुर्गा माता का आह्वान करिए, इन्वोक करिए उनकी एनर्जीज को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यूनिवर्स कनेक्ट होता है उस एनर्जीज के साथ जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर वन से कार्ड चूज कर रही हूँ, ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड आ रहा है। पाइल नंबर वन मैंने ओपन कर लिया है, अब पाइल नंबर टू से मैं ओपन कर रही हूँ, वेरी गुड द हीरोपेंट कार्ड, उसके बाद में पाइल नंबर थ्री द जस्टिस कार्ड। तो जिन्होंने भी नंबर वन चूज किया है, और आज का दिन वीनस का है, शुक्र का दिन है, आप देख सकते हैं कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है छोटी पिकनिक के लिए, गेट टुगेदर, किसी एंगेजमेंट के लिए, मैरिज, कोई सेरेमनी, वास्तु सेरेमनी, या कोई भी तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं आप पार्लर से कनेक्ट हो सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आने वाले वीक में आपके लिए बड़े ब्यूटीफुल मैसेज यूनिवर्स लेकर आ रहा है कि आप नंबर सिक्स की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लावर्स, ब्यूटी, नेचर, आप कहीं कनेक्ट हो गए, और ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है। तो जिन्होंने भी नंबर वन को चूज़ किया, ये उनके लिए मैसेज है आने वाले वीक का। आप कभी भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, जब भी आप ये वीडियो देखें ये आपके लिए है, ये समझिए आने वाला वीक आपके लिए ये मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको गुड लक बना रहे आने वाले हफ्ते के लिए, तो पिंक कलर्स पहनिए, जितने आप पिंक पहनेंगे उतना आप वीनस की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरा, ये जो माउंट रहता है ये हमारा वीनस माउंट रहता है, यहाँ पर आप 2-4 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इत्र की बॉटल से थोड़ा सा इत्र लगाइए तो आपका वीनस एक्टिवेट होगा। तो ये थी मेरी रेमेडीज, रेमेडीज के साथ आपको रीडिंग्स दे रही हूँ। उसके बाद में चलिए देखते हैं पाइल नंबर दो से जिसने कार्ड चूज किया है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अब ये एक हीरोपेंट कार्ड है जो दिखाता है कहीं ना कहीं काउंसलिंग, हो सकता है कोई योगा सेशन आपने आज अटेंड किया हो, कोई जहाँ पर आपने लेक्चर दिया हो, कहीं ना कहीं आप लोगों से पब्लिकली कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले आज से लेकर आने वाले ये 7 डेज तक के। आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर रेड कलर बड़ा वाइब्रेंट दिख रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि नेम फेम आपको मिले तो रेड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। रेड कलर का जितना यूज़ करेंगे उतना आपको उसका गुड लक आप अट्रैक्ट कर पाओगे। दूसरा, ये कार्ड ये भी कनेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा हो और वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो सकती है कोई डेट। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होगी और बहुत सारी नहीं, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी अपनी बुक करवा सकते हैं। तो ये दो लोगों के बीच आप समझौता करवा सकते हैं, दो लोगों के बीच आप पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हैं। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा दूसरों का अच्छा सोचने वाले इंसान हो, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, आप बहुत इमोशन से भरे हुए इंसान हो जो हमेशा दूसरों को एक अच्छा रास्ता दिखाता है, ये उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करता है। तो रेड को इन्वोक करिए, मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करिए, ये रेड की एनर्जीज को इन्वोक करता है, और सूर्य को जल चढ़ाइए। तो दीज वर द 3 रेमेडीज फॉर यू। तो टाइप करिए अपने क्लेम की एनर्जी 2
अब देखते हैं कार्ड नंबर थ्री मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। कार्ड नंबर थ्री कौन सी एनर्जीज लेकर आए? जस्टिस की एनर्जीज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हों कि भाई मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे साथ जस्टिस हो, आने वाले टाइम में मुझे जस्टिस मिले। कोई लीगल मैटर के लिए आप रुके हुए हो तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। किसी रिश्ते में आपने धोखा खाया है, किसी पेन से आप गुजर रहे हो और आपको लग रहा है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, कब तक मैं रुकी रहूँ इसके लिए, पर आपके साथ आने वाले समय में जस्टिस ज़रूर होगा। तो जस्टिस क्लेम करना चाहते हैं तो थ्री के साथ लिखिए जस्टिस। इसमें भी रेड एनर्जीज आ रही हैं तो आप इस रेड एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं ब्यूटीफुली। अब इसको आप कैसे इन्वोक करोगे? रेमेडीज के थ्रू। तो जैसे मैंने कहा, आप रेड कलर के क्लोथ्स यूज़ कर सकते हो, रेड कलर का हैंकरचिप अपने साथ कैरी करिए, या फिर रेड कलर की मौली आप अपने लेफ्ट हैंड में, अगर आप लेडीज हैं तो लेफ्ट हैंड में, और अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड में ज़रूर बांध लीजिए। और 11 बार उस मौली को आपको क्या करना है, ऊपर अपने हाथ पर बांधना है। तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप कनेक्ट हुए मुझसे। ये रीडिंग आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ मी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।